तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, खुश होगे, मज़े में होगे। तो आज मैं बना रही हूँ KFC स्टाइल चिकन विंग्स। तो उसके लिए मैंने देखो ऐसे विंग्स ले ली हूँ और मैंने इसको अच्छे से वॉश करके पानी में भिगा के छोड़ी थी 1-2 घंटे के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से साफ हो गए हैं अभी, तो हम इसका मैरिनेशन करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और उसी के साथ में मैं दही डालूंगी 2 चम्मच जितना, और उसी के साथ में थोड़ा गरम मसाला डालूंगी। ये मैं मेरे स्टाइल से बना रही हूँ। और थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी। तो आप ज़रूर से बताइए कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं अपने घर पे, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है तो मुझे कमेंट में बताइए। और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उसको और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कितने लोग मेरे वीडियो देखते तो है पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो आपको मेरी सारी वीडियो सबसे पहले देखने मिलेगी। तो अभी मैंने इसके अंदर नमक डाली, नमक आप अपने अंदाज से डालिए। थोड़ा सोया सॉस डालूंगी मैं 1/2 चम्मच जितना, क्योंकि ये डार्क सोया सॉस है, इसके लिए थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे हम इसको। उसी के साथ में मस्टर्ड पेस्ट भी डालेंगे हम। ये 1 चम्मच जितना मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। एक चम्मच भर के पूरा मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे हम इसके अंदर। और ये सारा कुछ अच्छे से मैरिनेशन कर लेंगे हम, सारा कुछ इसको हम मिला देंगे। तो मैं हाथ से मिलाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सारा मिक्स करके रख दी हूँ। अभी मैरिनेशन के लिए मैं छोड़ दूंगी इसको 1-2 घंटे तक, ऐसे ही रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी, और इसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चिकन मेरा मैरिनेशन हो गया है, 2 घंटे से ज़्यादा हो गया इसको मैरिनेशन पे रख के। तो अभी हम इसके लिए कोटिंग तैयार करते हैं। तो मैंने इधर मैदा ली हूँ, ये 2 कप मैदा है, उसके अंदर मैं ये थोड़ा ब्रेड क्रम डालूँगी और उसी के साथ में थोड़ी रेड चिल्ली पाउडर डालूँगी और उसी के साथ में थोड़ा नमक डालेंगे। और नमक आप अपने अंदाजे से लीजिए, क्योंकि चिकन में भी नमक है, तो इसमें हम थोड़ा ही नमक डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके ये हमारी चिकन की कोटिंग तैयार हो जाएगी। इस तरीके से इसको सारा मिक्स करके लेंगे हम, तो ये अच्छे से हमारी चिकन की कोटिंग रेडी हो जाएगी। और मैंने एक साइड पे ऑयल भी गर्म होने रख दी हूँ। तो जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, हम पहले इसके अंदर कोट करेंगे, देन फिर फ्राई करेंगे। तो मैं आगे आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। तो ये देखो फ्रेंड्स, हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा चिकन भी KFC स्टाइल में रेडी हो गया है। तो आप भी अपने घर पे बनाइए, अपने अपनों को खिलाइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।